सो हे गर्ल्स, व्हाट्सअप, बैक टू माई चैनल मिस्टर संजीव एडिटिंग। तो आज आप लोग सीवी एडिटिंग करना सीख जाओगे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ही। तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आप लोग जितना सारा एडिटिंग है सब कुछ आप लोग पिक्सआर्ट एडिटिंग कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। तो फेस को कैसे स्मूथ करना है, फेस को कैसे गोरा करना है और बैकग्राउंड को कैसे चेंज करोगी तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, वो कुछ आप लोग सीख जाओगे। पहले आपको शेयर कर देना होगा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, जैसे कि मैं मेरा फोटो को, ओरिजिनल फोटो को शेयर कर दी पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो शेयर कर देने के बाद आपका जो फेस है, फेस को लाइट को एडजस्ट करना है और जो वाइट लेना है और फेस को थोड़ा स्मूथ करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग को फास्ट एडजस्ट पे चले जाना होगा। एडजस्ट पे जाने के बाद आपके फोटो के हिसाब से टोन को बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को जितना अच्छी लग रहा है मैं उतना सा करके रख दूंगा, ठीक है। तो रख देने के बाद हमारा जो काम है, काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ठीक कर दूंगा, तो आप लोग भी ठीक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ठीक करोगे, इधर जो इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इफेक्ट्स पे चले आना होगा। इफेक्ट्स पे आ जाने के बाद आप लोग को इधर देख रहे हो तो एक एप एक्स लिखा हुआ है, तो उधर नहीं, इधर बी एन डब्ल्यू, ठीक है। तो बी एन डब्ल्यू पे टच कर देने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टोन को इस्तेमाल करना है आपका फोटो के ऊपर। जैसे ही टच करोगे, डबल टच कर देने के बाद आर पे चले आना होगा। आर पे आ जाने के बाद इसको 15 के करीब रख देना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 15 के करीब रख दिया हूँ, रख देने के बाद हमारा फोटो जो है वो देख रहे हो बहुत ही बेकार सा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को करना क्या है, ऊपर की साइड में जो इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे टच कर लेना होगा। टच कर देने के बाद इधर नीचे भी इरेज है, इरेज पे टच कर लेना होगा। तो पहले हमारा फोटो को वापस लेके आ जाना होगा, ठीक है। तो उधर से हो जाने के बाद इधर जो पेंसिल का आइकॉन है, पेंसिल का आइकॉन को टच करके हमारा फेस का ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो आपका फेस का ऊपर भी आप लोग कुछ इस टाइप की करके अप्लाई कर सकते हो। देख रहे हो हमारा जो फोटो है बहुत ही गजब सी अभी हमारा दिखाई दे रहा है। तो ठीक कर लेना होगा लिप्स को छोड़ के, बाकी फेस का ऊपर अप्लाई कर लेना होगा, जैसे कि मैं किया हूँ, ठीक है। तो अप्लाई हो जाने के बाद आप लोग को इधर चले आना होगा। इधर आ जाने के बाद आप लोग को मतलब बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पे टच कर लेना होगा। टच कर देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्किन जो है, स्किन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। हो जाने के बाद और भी अप्लाई कर लेना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप की करके अप्लाई कर लेना होगा, ठीक है, आराम से करना। तो देख रहे हो हमारा जो फेस है, फेस कुछ इस टाइप की, न्यू टाइप की, या हमारा जो स्मूथ है वो हो चुका है, जो आप लोग ऑटोडेस्क ऐप के अंदर नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज का वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आप लोग को। तो वीडियो को इसलिए फुल वॉच किया करो, तो आपका जो फोटो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। तो देख रहे हो हमारा जो फोटो है, फोटो कुछ इस टाइप की करके और भी स्मूथ कर लेना होगा। देख रहे हो कितना स्मूथ हुआ है, जो आपका जो ऑटो रिक्स है उसमें शैडो वगैरह बहुत कुछ आप लोग को प्रॉब्लम आता है, तो पिक्सआर्ट में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देख रहे हो हमारा जो स्मूथ है, स्मूथ बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो स्मूथ हो जाने के बाद आप लोग को इधर पे टच कर लेना होगा। इधर टच कर देने के बाद फिर से आप लोग को वही काम करना है, ठीक है। तो आपका जो अभी जो स्किन है, स्किन देख रहे हो कितना अच्छे से हमारा दिखाई दे रहा है। कोई भी नहीं देख के बोलेगा ये फेस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर स्मूथ किया है, देखने से ही रियल जैसा लगेगा भाई, ठीक है। तो देख रहे हो हमारा जो फेस है, फेस के कुछ इस टाइप की कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ भाई, तो आप लोग भी वैसा करना, बहुत ही ईजी है ये एडिट, आप लोग सभी ने कर पाओगे, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हो कितना गजब सी हमारा फोटो जो है वो बन चुका है। तो इस टाइप की हो जाने के बाद आप लोग को इधर जो ड्रॉ का ऑप्शन है, तो ड्रॉ पे चले आना होगा। ड्रॉ पे आ जाने के बाद ऊपर की साइड में जो लेयर है, लेयर पे टच कर लेना होगा। देख रहे हो इधर टू लेयर है हमारा, ठीक है। तो इधर टू लेयर है और हमारा जो नीचे की साइड में है, तो इधर जो ऐड फोटो का ऑप्शन है, तो ऐड फोटो पे चले आना होगा। जैसे कि मैं ऐड फोटो पे आ चुका हूँ, तो ऐड फोटो पे आ जाने के बाद एक जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड को लेके आ जाना होगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड जो है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बहुत लोग है पता नहीं है, तो जिन लोग को पता है वो तो आसानी से ये बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप लोग को करना क्या है, तो ये बैकग्राउंड को आप लोग को इधर लेके आ जाने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप की करके
लगा लेना होगा, ठीक है। और बैकग्राउंड आप लोग जिनको पता नहीं है उन लोग को मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो उस वीडियो का नीचे देखो एक वीडियो का नाम होगा, ठीक है, तो उस नाम पे टच करो तो नीचे की साइड में देखो बहुत सारा लिंक मिल जाएगा आप लोग को। मोर पे जाके आप लोग बैकग्राउंड PNG जो लिंक लिखा हुआ है ना, उस लिंक है, उस लिंक पे टच करोगे तो आप लोग आसानी से क्रोम ब्राउज़र से जाके ये बैकग्राउंड और जो हमारा लाइट रूम का पीसेट भी एक दे दूंगा, ठीक है भाई। तो पीसेट डालना जिनको आता है वो बहुत ही अच्छे से आपका फोटो को एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो पीसेट भी दे दूंगा और बैकग्राउंड भी दे दूंगा और PNG जो आप लोग थंबनेल पे देखा था वो PNG भी दे दूंगा, टेक्स्ट PNG भी दे दूंगा, ठीक है। तो जिन लोग नया है तो उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा नया नया लोग एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो बहुत कमेंट भी कर रहा है मेरे को और मैसेज भी कर रहा है भाई इसे लेके आओ। तो आप लोग के डिमांड से ही मैं जितना ज़्यादा लोग जो बात बोलते हैं वही आप लोग के लिए वीडियो लेके आता हूँ भाई, ठीक है। तो जैसे कि इस टाइप की करके आप लोग को आपका जो बैकग्राउंड है खुद का तो उसको रिमूव कर लेना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना, हम मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ और आप लोग आराम से आपका जो बैकग्राउंड है उसको हटा सकते हो, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड को आपका फ़ोटो का ऊपर लगा सकते हो, तो आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छी और गजब सी दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड का कटआउट का काम था वो हम कर चुका हूँ, बहुत ही स्पीड से किया हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा रह गया और थोड़ा ज़्यादा कट हो चुका है, ठीक है। तो अभी एक लेयर ले ली, ठीक है भाई। तो आप लोग भी एक इम्पोर्ट लेयर ले लेना होगा, जैसे कि मैं इम्पोर्ट लेयर ले लेने के बाद हमारा जो आई है, आई का ऊपर जो कलर है कलर को मैं रेड करूँगा, ठीक है। तो आई का कलर को रेड करूँगा, ठीक है। तो आपका जो ड्रेस है ड्रेस का कलर का भी चेंज कर सकते हो, तो आप लोग भी ड्रेस का ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये ही मस्त लग रहा है तो मैं इतना सा करके हमारा जो फोटो है फोटो को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देख लो हमारा जो फोटो है फोटो बन चुकी है, अभी मैं हमारा फोटो को सेव कर लूँगा, ठीक है। तो सेव कर देने के बाद और भी थोड़ा हेयर का काम है, हेयर का काम करना चाहते हो तो आप लोग ऑटोडेस्क ऐप को डाउनलोड कर लो, आज जिनके पास है उनको तो सही ठीक ही है, ठीक है। तो अभी आप लोग को इधर चले आना होगा, इधर आ जाने के बाद इधर ऊपर की साइड में टच कर लेना होगा, टच कर देने के बाद आप लोग को ये पेन को सिलेक्ट कर लेना होगा, तो दिखा रहा हूँ कौन सा पेन को, तो ये जो पेन है इस पेन को आप लोग सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ तो आप लोग भी ये पेन को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट कर देने के बाद आप लोग को करना क्या है, सेटिंग जो है सेटिंग पे चले आना होगा। जैसे ही आप लोग सेटिंग पे आ जाओगे ना, तो आपका जो फोटो है फोटो का जो हेयर है हेयर को कुछ इस टाइप की करके गजब तरीके से आप लोग बना सकते हो भाई। तो जैसे कि मैं फटाफट से हमारा जो वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए फटाफट से मैं हमारा हेयर को बना ली, ठीक है। तो बना लेने के बाद हमारा फोटो जैसे मूर्छा गया है कुछ इस टाइप की दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को करना क्या है, लेयर पे टच कर लेना होगा। टच कर देने के बाद इधर जो ऑप्शन है तो इस ऑप्शन पे टच कर लेना होगा, मिडिल का ऑप्शन पे टच कर देने के बाद इसको आप जितना बढ़ा सकते हो सेचुरेशन को उतना बढ़ा सकते हो। तो अभी हमारा फोटो देख रहे हो बहुत ही गजब तरीके से बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक और एक कमेंट कर देना भाई, और इसी टाइप की नया नया एडिटिंग के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।